तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय इलाके के संस्कृत कॉलेज के पास नाथनगर केबी लाल रोड स्थित साई बाबा गैस एजेंसी के मैनेजर संजय कुमार लाल उर्फ बंटू एवं कर्मी प्रकाश कुमार सिंह से दिन दहाड़े 11 बजे के करीब 14,29,000 रुपए की लूट हुई है। दरअसल संजय बाइक पर सहकर्मी प्रकाश सिन्हा के साथ एजेंसी से पैसा लेकर मारवाड़ी पाठशाला स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करने जा रहे थे। इसी बीच दो बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर छिनतई की घटना को अंजाम दिया। वारदात के पहले अपराधियों ने मैनेजर की बाइक को धक्का मारकर गिरा दिया और फिर रुपये से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज विश्वविद्यालय थाना पहुंचे और पीड़ित कर्मियों से गहन पूछताछ की। इस दौरान डीएसपी राजवंश सिंह, ततारपुर इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, विश्वविद्यालय ओपी प्रभारी ओम प्रकाश भी मौजूद थे। इस बाबत सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस अलर्ट है, लेकिन इतनी बड़ी रकम को बैंक में जमा करवाने के लिए इसकी सूचना नजदीकी थाना को दे देनी चाहिए थी। यह हमारी जवाबदेही थी कि रकम को बैंक में सुरक्षित रूप से जमा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही अपराधियों को गिरफ्त में ले लेगी। साथ ही कहा कि यह बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी रकम को जमा करने के लिए बाइक का सहयोग क्यों लिया गया। दो स्टाफ ऐसा लेके आ रहा था, हम लोग का पूरा हाई अलर्ट पर चेकिंग चल भी रही थी, बैंक कर भी रहे थे। दुर्भाग्यवश ये घटना घट गई। दो मोटरसाइकिल सवार 4 आदमी थे, घटना को अंजाम दिया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग बरामद करें। और ये जो गैस एजेंसी, इनको चाहिए था कि थाने को खबर करता, लोकल थाने को खबर करनी चाहिए थी, ताकि अपना हम फोर्स देते, हम मोबाइल फोर्स भेजते, घटना घटती। बोलना चाहिए था, जानकारी देनी चाहिए थी थाने को, हम उसको प्रॉपर सिक्योरिटी देते, हम जमा करवाते, ये हमारी जवाबदेही थी, नहीं दिया। खैर, हमें आपको बरामद करना है, यही कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस पर गैस एजेंसी के कर्मी संजय कुमार लाल ने बताया कि 4 दिनों से बैंक बंद था और सोमवार को बैंक खुलने पर बाइक से ही दोनों कर्मी रुपये जमा करने निकल गए। संस्कृत विद्यालय के पास एक मोटरसाइकिल मेरे मोटरसाइकिल में धक्का मारा, हम लोग गिरे। गिरने के बाद एक मोटरसाइकिल खड़ा हुआ, हमारे मोटरसाइकिल से 5-7 खड़े, हम गिर गए। गिरने के बाद जो है वो आदमी एक आदमी पीछे से उतरा और हम से बैग लेने लगा। हम सोचे कि पहले उठाने के लिए आ रहा, लेकिन जब बैग लेने लगा तो हम उसको पकड़ने का कोशिश किए तो पिस्टल निकाला तो हम पहले दो, उसके बाद वो बैठा और चला गया। एक पतले ऐसा था भी। कितने लोग थे वो उस मोटरसाइकिल पर? तो दो हम देखे, लेकिन दो धक्का मारा उसको नहीं देखा। कितना अमाउंट था? 14,29,000। भागलपुर से सनमार्ग के लिए अजीत कुमार के साथ राजकुमार की रिपोर्ट। मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।